और पाक बैरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का दौरा सऊदी अरब वेस्टर्न फ्लीट कमांडर से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उम्मीद पर तबादला ख्याल किया गया। वेस्टर्न फ्लीट कमांडर ने दोनों ममालिक के बहरी फौज के माबैन मजबूत ताल्लुक को सराहा। पाक बहरिया के सरबराह ने वेस्टर्न फ्लीट कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर रॉयल सऊदी नेवी स्कूल का दौरा भी किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज एविएशन सेटअप का भी दौरा किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज के जहाज HMC मक्का का मुआयना भी किया, जबकि सरबराह पाक बहरिया के जहाज के अमले से बातचीत भी हुई, जिसमें उन्होंने ऑपरेशनल सलाहियतों को भी सराहा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का दौरा सऊदी अरब वेस्टर्न फ्लीट कमांडर से मुलाकात हुई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अमीन से। शाहिद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी जो है वो सऊदी अरब के दौरे के आखिरी मरहले में है। वेस्टर्न फ्लीट के कमांडर जो उनकी मुलाकात हुई है, मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुद्दे पर तबादला ख्याल किया गया है। वेस्टर्न फ्लीट कमांडर ने दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन करीबी और मजबूत ताल्लुक को सराहा है। पाक बहरिया के सरबराह वेस्टर्न फ्लीट कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर रॉयल सऊदी नेवल स्कूल और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज एसोसिएशन समेत इनके तमाम सेटअप जो है उसका दौरा किया है और इस मौके पर दोनों ने जो है वो बामी तावन जो है उसमें भी दिलचस्पी जाहिर की गई है। जी बहुत शुक्रिया शायद अनिल, आप अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि नेवल चीफ ने दौरे सऊदी अरब के दौरान वेस्टर्न फ्लीट कमांडर से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाक बहरिया ने सरबराह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और रॉयल सऊदी नेवल स्कूल का भी दौरा किया है।